हेरिन आलो वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो समझो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। L ये हो गई, तो ये 2L मीटर हो गई। मानक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से द्विध्रुव की लंब अर्धक स्थिति में इसका अर्धक भी है, इस पर लंब भी है और इसकी निरक्षीय स्थिति में, मतलब अच्छी ना होके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताओ यहां तक बात समझ में आई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। यल ये हो गई, पूरी हो गई 2L मीटर। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, ये दूरी दे रहा है आपको स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इससे इसको अगर हम यहाँ से मिला दें ऐसे, ठीक है, तो और इसको ऐसे मिला दें तो देखो समझो ये क्या बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि लंब अर्धक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और कर्ण का जो होता है, कर्ण जो होता है वो इन दोनों के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है, मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम ये भी होगा, इन त्रिभुज को लेंगे तो इसको करेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आप आर स्क्वायर को पहले कर दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फर्क फिलहाल उससे कुछ नहीं बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक बात आई समझ में। अब देखो हमने पढ़ा है कि अगर दिशा की बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो प्लस वाले आवेश के कारण इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस तरफ होगी, इस साइड होगी E1, और माइनस से दूर की ओर होती है, तो ये माइनस है तो इससे क्या होगी, इस तरफ होगी, माइनस की ओर होती है तो इसकी कारण क्या होगी, इस तरफ होगी। दोनों की डायरेक्शन में क्या मिल रही है, ना तो विपरीत मिल रही ना सेम मिल रही, दोनों कोई एक ऐसे डायरेक्शन पे एक ऐसे डायरेक्शन पे, तो इसकी हमें परिणामी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, और परिणामी निकालने के लिए ये हम मानेंगे थीटा। ये और ये रेखाएं समांतर हैं, तो अगर हम ऐसे लें तो देखिए ये जेड बना रहा है, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, या ऐसे हम सीधे लें तो ये वाला थीटा होगा, ठीक है, और इसको भी हम लगभग थीटा मान लेंगे क्योंकि समान दूरी पर है, लंब अर्धक है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो इसका हम केवल इतनी जगह का अगर हम लोग फिगर बनाएं, केवल हम लोग इतनी जगह का पी का बना रहे हैं, बिंदु पी का बनाए, तो इसमें एक ये जा रहा है ये डायरेक्शन, एक ये जा रहा है ये डायरेक्शन, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे, और इसको अगर मिलाएं देखो बिंदु पी ये वाली, अब कह दो क्या है, तो ये जो है इसको यहाँ पे बिंदु पी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, जैसे ये आया इसका क्या मान होगा E1, इसके दो घटक होंगे, एक होता है क्या कॉस थीटा और एक होता है साइन थीटा। इसका जो लंबवत, इसका जो ये घटक होगा जो थीटा को टच करता है उसको लेते हैं कॉस में, तो ये लेंगे कॉस में, और इसका जो टच नहीं करता है उसको लेते हैं साइन में, जो थीटा को टच करेगा वो कॉस में, जो टच नहीं करेगा उसको साइन में। ऐसे इसकी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे अगर ये वाला थीटा है एंगल, इस वाले को थीटा अगर लें एंगल, ठीक है,
तो देखो क्या होगा, क्योंकि ये ऐसे अगर देखें तो ये क्या बना रहा है, जेड बना रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम बात करें तो इसका भी थीटा एक घटक इस तरफ होगा, ई टू कॉस थीटा, और एक घटक ये लंबवत इस तरफ होगा, जो थीटा को टच नहीं करेगा वो होगा ये ई टू की बात कर रहा है, ई टू वाले की, तो ये होगा ई टू साइन थीटा। इन दोनों की डायरेक्शन, इसकी और इसकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस कारण ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसकी और इसकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस कारण ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। अब देखो हम निकालते हैं, अब करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें अगर हम यहाँ पे आपको तीव्रता निकालें ई वन, तो आपको फार्मूला पता है कि ई बराबर होता है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर लेना है तो इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ हट जाएंगे, तो ई इक्वल जो ई वन इक्वल आएगा वो आएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये आ गया। इसकी अगर हम लोग दिशा की बात करें तो प्लस वाले से दूर की ओर होती, मतलब बीपी के अनुदेश, इसकी जो दिशा होगी वो लिखेंगे बीपी के अनुदेश। ऐसा क्यों होता है ये आपको हमने समझा दिया, क्योंकि प्लस से जो डायरेक्शन होता है वो दूर की ओर होता है। इसके बाद निकालेंगे इस माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण अगर हम लोग निकालेंगे तीव्रता ई टू बराबर, तो वही फार्मूला 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर ये दे रहा है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया, अंडर रूट हट गया। इसको जब करेंगे जब, तो इसकी मात्रक भी वही न्यूटन प्रति कूलाम, और जो दिशा होगी तो माइनस की ओर होती है, तो इसकी ओर होगी, मतलब पी से ए की ओर, तो पी ए के अनुदेश, ये इसकी दिशा हो जाएगी। अब देखो परिणामी, अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे कि बिंदु पी पर ई वन व ई टू को क्या करेंगे, ई वन व ई टू को दो घटकों में या उनके लंबवत व समांतर घटकों में विभाजित करने पर, विभाजित का मतलब होता है बांटना, विभाजित करने पर। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनकी डायरेक्शन ना तो सेम थी ना तो अपोजिट थी, तो हमें नहीं पता चल पा रहा है हम जोड़े के घटाएं, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इनका जब घटक लिए तो इसका एक घटक इस तरफ आया, इसका एक घटक इस तरफ आया, दोनों की डायरेक्शन सेम तो जुड़ जाएंगे, इसका एक घटक इस तरफ आया, इसका एक घटक इस तरफ आया, दोनों की डायरेक्शन विपरीत तो घट जाएंगे। तो घटकों में वियोजित करने पर, जब वियोजित करेंगे लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करने पर समांतर घटक या लंबवत घटक, लंबवत जो घटक हम लोगों का आएगा वो जो आया, क्या लंबवत घटक आया, ई वन साइन थीटा तथा ई टू साइन थीटा, ठीक है। ये ई टू साइन थीटा ये क्या है, देखो ई वन का मान दोनों में सेम है, ई वन जो आया है वही आपका ई टू आया, परिणाम दोनों के, परिमाण दोनों के बराबर है, साइन थीटा का मान लंबपन आधार, इसके लिए भी साइन बराबर होगा, इसके लिए भी साइन बराबर होगा, दोनों क्या हो गए अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दोनों के परिमाण क्या हैं बराबर हैं। तो घटक लंबवत घटकों के परिणाम या परिमाण क्या हैं, बराबर हैं, बराबर तथा दिशा विपरीत है, तथा दिशा विपरीत है, विपरीत है, अतः ये क्या हो जाएंगे, एक नगण्य हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से घट जाएंगे तो ये नगण्य हो जाएंगे या एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे,
अतः ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। निरस्त हो जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या हुए, निरस्त हो गए। अब ये क्या है कि इनकी जो समांतर घटक है उनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, परंतु समांतर घटकों, समांतर घटक क्या हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा क्या हैं, एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, कारण जुड़ जाएंगे, दोनों की दिशा समान है इसलिए दोनों की दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद बाकी बताएं। तो लिखेंगे, पहले लिखना चालू करो कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में बिंदु P पर स्थित है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की लंब अर्धक स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद दोनों फिगर बना लो, ठीक है, वीडियो रोक के फिर बात नोट कर लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। इसके बाद देखो, जो हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे, तो जब E1 और E2 की हम लोग वैल्यू रखेंगे तो E1 जो हमें दे रहा है वो E1 बराबर दे रहा है 1/4π ε0 के या ε0 के Q r² + l² और इसके साथ इसमें क्या दे रहा है, cos थीटा, तो इसको लिख लेंगे cos थीटा को प्लस, ध्यान दो इधर, फिर E2 रखेंगे तो E2 कह रहा है तो E2 की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारी
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन ये भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा फार्मूला वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा इतना। ठीक, इसके बाद देखो इंटू क्या है कॉस थीटा। फिगर आपका ऐसे बना था ठीक है, ये यहाँ पे था वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे था थीटा, ये था एल, ये था एल, ये था आर और ये था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम लोग कॉस थीटा ले तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसके कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये आधार हो गया, ये कर्ण केवल इतना त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसकी जगह कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो एल कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद देखो इसके बाद कॉस थीटा की इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ई बराबर जो आएगा वो आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के टू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह रखेंगे एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी घात एक है और इसकी एक बटे दो है, तो एक में जब एक बटे दो जोड़ेंगे हम लोग तो दो एकम दो एक तीन बटे दो हो जाएगा, तो इसकी पावर टोटल मिलके हो जाएगी तीन बटे दो। ई बराबर आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, ये आ गया टू क्यू एल, तो पी बराबर क्या होता है टू क्यू एल के होता है, तो यहाँ पे रख देंगे पी, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर तीन बटे दो। और ये क्या आ गया जहाँ पे क्या था पी बराबर हमने क्या लिखा है टू क्यू एल, ये होता है। इसके बाद देखो सॉल्व करेंगे, इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल ये हो जाएगा क्या देखो, परंतु आर जो है वो क्या है एल से बहुत बड़ा है, अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे, तुलना में नगण्य मान लेने पर इसको जब हम लोग नगण्य मान लेंगे मतलब एल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, तो ई इक्वल जो आएगा वो आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के पी अपॉन ये था आर स्क्वायर, इसकी पावर करेंगे तीन बटे दो, दो से दो काट देंगे, ई इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के पी अपॉन ये दो से दो कट गया क्या आएगा आर क्यूब, ये आ गया ई का मान इतने न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यदि माध्यम कैसा हो निर्वात या वायु हो, यदि इसके बाद लिखना है यदि माध्यम जो है माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो के इक्वल वन, तब ई इक्वल वन अपॉन यहाँ रखेंगे वन, वन का इसमें गुणा करेंगे यही आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन पी अपॉन आर क्यूब इतने न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ गया क्या वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, नोट कर लीजिए।